हे गाइस, कैसे हो आप सब? सो गाइस, आप सबको पता है कुछ दिन पहले पबजी मोबाइल अपने क्लासिक क्रेट से ग्लेशियर M4 को निकाल दिया। उसके बाद से भाई पबजी मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए कि भाई मुझे M4 ग्लेशियर मिला भी नहीं और उसको हटा दिया है। और लिटरली काफ़ी लोगों को पता भी नहीं कि M4 ग्लेशियर आएगा भी कि नहीं, क्योंकि सबको तो यूट्यूब वीडियो नहीं देखते ना, तो इसे चलते उनको पता भी नहीं M4 ग्लेशियर कहाँ आएगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि M4 ग्लेशियर पबजी के अंदर आएगा UMP स्पिन में, बट BGMI के अंदर वो चीज़ नहीं आएगा, इसलिए आपको क्रेट के अंदर देखने को मिल रहा। बट वापस से पबजी यूज़र के लिए खुशखबरी है, जी हाँ, अगर आप पबजी मोबाइल खेलते हो तो उनके लिए एक और ग्लेशियर क्लासिक क्रेट में आने वाला, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लासिक क्रेट में आपको देखने को मिलेगा। वो कौन सा ग्लेशियर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख पर हम लोग का जो विंटर क्रेट आया, तो इसमें दो दो ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो M4 है और सेकेंड आप देख पर AKM। तो जी हाँ, यही AKM अभी क्लासिक क्रेट में आने वाला पबजी मोबाइल के अंदर। और अभी आपको ग्लेशियर M4 पबजी मोबाइल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, ग्लेशियर AKM देखने को मिलेगा, और जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में निकाल सकते हो अगर आपका लक OP रहा तो। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया क्योंकि जब गया था तब मैं इन्फॉर्मेशन दिया था, ऑब्वियसली जब न्यू चीज़ आएगा तो उसका भी इन्फॉर्मेशन दे दिया। ये चीज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है अभी तक जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि AKM आपको ग्लेशियर वाला देखने को मिलेगा क्लासिक क्रेट के अंदर कुछ दिन बाद। और उसके साथ साथ आर्टिक विश सेट जो है वो भी देखने को मिलेगा। आर्टिक विश सेट काफ़ी अच्छा विंटर आउटफिट है पबजी का, वो क्लासिक क्रेट में आने वाला है। तो वो क्लासिक क्रेट खोलना सबसे अच्छा वर्थ होगा, क्योंकि अगर मिथिक निकल गया वो भी अच्छा, और AKM अगर निकल गया उतना इजी तो मिलेगा नहीं, बट AKM ग्लेशियर भी उसमें देखने को मिल रहा है। विजय वाला विंटर क्रेट में ये चीज़ डाल दी है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो अभी हम लोग आते हैं सेकंड टॉपिक में। एक्चुअली ये जो चीज़ है पिछले 2-3 दिन से हो रहा है, बट मुझे आज टाइम मिला इसलिए मैं इसको कवर कर दे रहा। तो आप जब फ्रोजन किंगडम मोड में जाते हो तो आपको पता है रैंडमली पहले पोस्ट कार्ड मिलता था, बट अभी आपको रैंडमली फ्रोजन पैक आपको दिखाया जाता है, ऐसे आप देख पा रहे हो, और एक मैच में आप एक ही कलेक्ट कर सकते हो। बट जब आप गेम खत्म करके इन्वेंटरी में आते हो तो आपको वो चीज देखने को कहीं नहीं मिलता, राइट? तो वो चीज क्या है मैं आपको समझा देता हूं। तो ये जो फ्रोजन पैक है ना, ये एक इवेंट का मटेरियल है जो कि पबजी मोबाइल के अंदर ऑलरेडी 15 तारीख के आसपास आ चुका है। और इसमें एक्चुअली होता ही है कि फ्रोजन पैक के अंदर कुछ गिफ्ट छुपा रहता है, गिफ्ट को जाके वो इवेंट में मेल्ट करना पड़ता है। इसमें दो तरह का गिफ्ट होता है, एक मिस्ट्री गिफ्ट और एक होता है नॉर्मल गिफ्ट। नॉर्मल गिफ्ट तुरंत खुल जाता है, मिस्ट्री गिफ्ट जो होता है वो 25 को क्रिसमस के दिन खुलने वाला है। और इसका प्रोग्रेस भी है, जितना ज़्यादा कलेक्ट करोगे उस हिसाब से प्रोग्रेस बार भी बढ़ेगा, जिसमें आपको परमानेंट फ्रेम परमानेंट आउटफिट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इवेंट है, बट ये BGMI के अंदर नहीं आने वाला, इसलिए आपको इन्वेंट्री में देखने को नहीं मिल रहा। तो ये अगर चीज़ मिलता तो कोई फायदा नहीं है, वैल्यूबल नहीं है, तो इसलिए इसका पीछे मत भागो। BGMI के अंदर इसका इवेंट नहीं आने वाला। अब देखो पूरा मैप से ये चीज़ हटाना उतना इजी नहीं होता है साथ से, मुझे जितना लगता है, इसलिए BGMI वाला इसको रहने दिए। ये लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए कि रहने दो, ये तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा गेम के अंदर, इन्वेंट्री में ये चीज़ आएगा ही नहीं, जस्ट गेम में आपको देखने को मिलेगा जहाँ तक गिरा हुआ। बट वो एक्चुअल में काम नहीं करेगा BGMI के अंदर, ओनली पबजी यूजर के लिए ये काम आने वाला है, ठीक है? तो होपफुली ये भी चीज़ समझ में आ गया। अभी हम लोग आते हैं तीसरा टॉपिक, वो है भाई प्ले स्टोर डिस्काउंट ऑफर। तो गाइस, आपको मैं कल का वीडियो में बताया था कि प्ले स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहां आपको फ्रीक्वेंट बेसिस में अलग अलग ईमेल आईडी में अलग अलग ऑफर देखने को मिलता है। रिसेंटली 95% जो डिस्काउंट है वो काफी लोगों को मिला, काफी लोग उसका बेनिफिट लिया। पर जैसे कि मैं कल का वीडियो में ही बताया कि सब ईमेल आईडी में ही ऑफर आता है, बट एग्जैक्टली सेम आता है कि नहीं वो नहीं पता, बट आता जरूर है। तो आप देख पा रहे हो मेरा कल तो कोई भी ईमेल आईडी में ऑफर नहीं था, बट मेरा एक ईमेल आईडी में आज ऑफर आया है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको मल्टीपल ईमेल आईडी बना के रख देना है, उसको छोड़ देना, उसके बाद आप हर एक महीना बीच बीच में जाके उसको देख लेना, जितना भी ईमेल आईडी है ऑफर है नोटिफिकेशन में, जो ईमेल आईडी में ऑफर आता है उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कल मुझे कोई भी ईमेल आईडी में ऑफर नहीं था, बट आज जब मैं सुबह चेक किया तो मुझे वो 95% वाला डिस्काउंट तो नहीं मिला, बट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वाले में क्लिक करते, ये आप देख पर ऑलरेडी मेरा खुला हुआ, इस वाले में क्लिक करते, इधर आप देखो ऑफर है नोटिफिकेशन में क्लिक करते, इधर आप देखो मुझे 40 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। तो एक्चुअली इसमें करना ये है कि आपको 40 रुपीज़ या उससे ज़्यादा वाला प्लान को परचेस करना है, जिसमें आपको 40 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो मान के चलो हम लोग 75 UC वाला पैक परचेस करेंगे तो मुझे केवल 35 रुपीज़ देना पड़ेगा और मुझे वो पैक मिल जाएगा। मुझे पता है 95% वाला जैसा बेनिफिट नहीं है, बट हाँ इस तरह का फ्रीक्वेंटली अलग अलग ईमेल में आपको ये सब ऑफर देखने को मिलेगा, इसलिए आप मल्टीपल ईमेल आईडी बना के रख सकते हो। और वो अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में 1-2 महीना बाद आपको रैंडमली कोई भी ईमेल आईडी में 70 UC का, 70 रुपये का, 60 रुपये का, 500 रुपये का कूपन्स आते ही रहता है, और उसका बेनिफिट लेके आप
ऑफर ले सकते हो, ठीक है। तो इंस्टेंट ऑफर आएगा कि नो किसी को भी नहीं पता, बट फ्यूचर के लिए डेफिनेटली आपका वर्थ होगा। अब देखो ये सब ऑफर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो गूगल जीमेल आईडी में ऑफर आया तो आपको बीजामा को वही अकाउंट से खोलना होगा, जी नहीं, ऐसे नहीं है। आप बीजामा को ट्विटर, फेसबुक या कोई भी जीमेल आईडी से खोल सकते हो, बट जो ऑफर है ना आप पर्टिकुलरली वो जीमेल आईडी का फायदा ले सकते हो, क्योंकि बीजामा का लॉगिन प्लेटफॉर्म अलग है और आपका गूगल प्ले का लॉगिन प्लेटफॉर्म जीमेल है, तो दोनों का अलग करके भी आप एक ही अकाउंट में, मान के चलो मेरा ये अकाउंट है, यही अकाउंट में मैं जितना चाहे उतना ईमेल आईडी में जो ऑफर है सबका फायदा एक ही अकाउंट में ले सकता हूँ। इसलिए आप मल्टीपल ईमेल आईडी बना के रखोगे तो फ्यूचर में कोई भी ईमेल आईडी में ऑफर आएगा तो आप अपना मेन आईडी में ही यूसी भर सकते हो। होपफुली आपको यह चीज पता चल गया, तो इसलिए मल्टीपल ईमेल आईडी बना के रखना। अभी मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मान लो आपके ईमेल आईडी में कुछ भी ऑफर आया, मान लो 95% 50% या 40 रुपीस जो भी आया, ईमेल आईडी में तो शो हो रहा है बट आपका इसमें शो नहीं हो रहा, जब आप परचेस करने जा रहे हो तो आपको नहीं दिखाई दे रहा ऑफर, इधर देखो 75 रुपीस ही मुझे लग रहा है, मुझे कोई 40 रुपीस का डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो ये किस लिए हो रहा, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, एक्चुअली होता ही है कि जब आप परचेस करने जाते हो ना तो गूगल प्ले एक ही ईमेल आईडी को साइन इन करके रखता है, मतलब मान के चलो ये मैं बाय में करने गया तो इसमें एक ही ईमेल आईडी है जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसी ईमेल आईडी से ये मल्टीपल टाइम परचेस करेगा अलग अलग एप्लीकेशन में। तो इसको कैसे रोकना है और आपको ऑफर कैसे लाना, सिंपल है, जितना भी ईमेल आईडी है सबको लॉग आउट कर देना है अपने अकाउंट से, और उसके बाद जो ईमेल आईडी में ऑफर आया ना उसको केवल लॉग इन रहने दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका ऑफर शो हो जाएगा। जी हाँ, तो वही सिंपल सा इसका सोल्यूशन है कि आपको जितना भी ईमेल आईडी है जिसमें ऑफर नहीं आया सबको हटा देना है मोबाइल से, वही ईमेल आईडी को लॉगिन करके रखना है जिसमें ऑफर आया कुछ देर तक, जब आप परचेस कर लोगे तो बाकी ईमेल आईडी को वापस सब साइन इन कर सकते हो। इतना आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको मल्टीपल ईमेल आईडी बना लेना है, ईमेल आईडी बनाने के बाद सबको लॉगिन रखना ही होगा, क्योंकि लॉगिन नहीं रखोगे तो पता क्या चलेगा कौन सा ईमेल आईडी में ऑफर है। अगर आपका ऑफर इधर शो नहीं हो रहा तो सिंपल है कि जितने भी ईमेल आईडी है सबको लॉग आउट कर दो और उसका जो ईमेल आईडी में ऑफर है उसको लॉगिन रहने दीजिए, उससे परचेस कर लोगे तो उसका वापस सब ईमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिए। तो ऐसे करके वर्क करता ऑफर, कभी कभी किस्मत अच्छा रहा तो जो प्रायोरिटी ईमेल आईडी है उसी में ऑफर आ जाता है, तो आपको कोई भी अकाउंट को लॉग आउट नहीं करना पड़ता, वो शो हो जाता है पहले ही अटेम्प्ट में। बट जब आपका शो नहीं होता तो एक एक करके ईमेल आईडी हटाइए, गेम ओपन कीजिए और उसके बाद चेक करते रहिए कब मेरा वो वाला ईमेल आईडी परचेज वाला में आता है, ठीक है। गूगल प्ले ये सब ऑफर इसलिए देता है क्योंकि वो चाहता है कि अपना प्लेटफॉर्म में आप परचेस करो, क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसका खुद का वेबसाइट होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि वेबसाइट में अगर परचेस करोगे तो गूगल प्ले का फायदा नहीं होता, गूगल प्ले का तभी फायदा होता है जब आप गूगल प्ले से परचेस करोगे उसका कुछ परसेंटेज उसको मिलता है, ठीक है, कमीशन के तौर पर। तो इसलिए वो चाहता है कि ऑफर के वजह से ही सही आप ये लोग परचेस करो और फ्यूचर में आप इधर से ही परचेस करो, इसलिए ऑफर आपको बीच बीच में देखने को मिलता है। एक तरह का iOS का भी टांग खींचने में काम आ जाता है, क्योंकि iOS उतना ज़्यादा ऑफर नहीं देता है जितना गूगल प्ले देता है, इसीलिए मुझे एंड्रॉयड पसंद है क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आईफोन, ठीक है। तो चलो इतना रखते वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।